क्यों हमें मरे हुए हाथी के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों कछुए पर लगी ये गोल गोल चीज बहुत खतरनाक होती है, और क्यों मरी हुई वेल जिंदा होने से भी ज्यादा डेंजरस होती है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में जो है वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी हाथी को न देखा हो। कहते हैं इस विशाल से जीव की जब हटती है तो खतरा बन जाता है, मगर एक बात और है जो आप लोगों को जरूर मालूम होनी ही चाहिए, ये जीव मरने के बाद भी कोई कम खतरनाक नहीं रहता। इसकी बॉडी के पास जाना मतलब खतरे को चुनौती देने के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है ये जानना है तो हम आपको बता दें, इसकी वजह है हाथी के शरीर में मौजूद बैक्टीरियाज, जो शरीर के शांत हो जाने के बाद लगातार गैसेस छोड़ते रहते हैं, और वो गैसेस शरीर में लगातार एक्सपेंड होते हुए इसकी बॉडी में जमा होती जाती है। ऐसे में इसको इस कंडीशन में उठाना या कहीं ले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए एक्सपर्ट्स पहले इस गैस को किसी तरह लीक करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे चलकर दबाव के चलते बॉडी फटे नहीं और किसी को कोई खतरा ना हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा आपको इससे पहले इस फैक्ट के बारे में मालूम था कि नहीं। वैसे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि कुत्ते वफादारी में किस हद तक जा सकते हैं, फिर भी जो आज आप लोगों के लिए हम एक और कमाल की वीडियो लेकर आए हैं उसे भी जरूर देखना चाहिए। यहाँ इस गली में दो लड़कियां रास्ते से गुजर रही होती हैं, जिन पर अचानक गली के आवारा कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। लड़कियां डरने लगती हैं, मगर तभी जो हुआ वो देखने वाला था। इनमें से ही किसी एक लड़की के पास रॉटवेलर नस्ल का एक कुत्ता था, जो अपने मालिक के खतरे को देख कर मैदान में एंट्री लेता है, और ऐसी एंट्री लेता है कि जो कुत्ता इन लड़कियों पर भौंक रहा था ये उसे खदेड़ना शुरू कर देता है। बड़ी कमाल की बात है, यहाँ इस वक्त आवारा कुत्तों की पूरी गैंग मौजूद थी, मगर फिर भी किसी की हिम्मत नहीं बनी जो इस रॉटवेलर से पंगा ले सके। ऐसे में वीडियो ये दिखाता है कि कुत्ते वक्त आने पर अपने मालिक के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कछुए आपने अपनी लाइफ में बेशक देखे होंगे, मगर आज हम आपको इसके एक ऐसे दुश्मन से मिलवाएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना और जाना हो। मोटी सख्त और मजबूत शैल वाले इस जीव का भला कोई दुश्मन या क्या बिगाड़ लेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हम आपको बता दें, इसकी शैल भले ही इसकी सेफ्टी का सबसे अहम हिस्सा होगी, मगर यही शैल इसको मौत के घाट भी उतार सकती है, जिसकी वजह बनते हैं गोल गोल से जीव जो आमतौर पर इसकी इस शैल से चिपक जाते हैं। कछुआ अपनी शैल पर चिपके इन बर्नकल्स कहे जाने वाले जीवों को उतार नहीं पाता, और ऐसे में बर्नकल्स न केवल कछुए को बीमार कर देते हैं बल्कि इससे इसकी शैल को नुकसान भी होता है। इस वीडियो में दिख रहा है ये शख्स नेक दिल इंसान है जो बारी बारी इन चिपके हुए बर्नकल्स को उतार कर इस कछुए को एक बार इनसे आजादी दिलाकर पानी में स्वतंत्र जीने के लिए छोड़ देता है। कैसा फैक्ट भी आपने इससे पहले जाना था कमेंट करके जरूर बताना। जो जिंदा होते हुए भी इंसानों के लिए खतरा नहीं होती, वही ब्लू वेल मरने के बाद सभी इंसानों के लिए क्यों खतरा बन जाती है, इसका जवाब जानने के लिए अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपका इंतजार अभी खत्म कर देते हैं। वेल जब मर जाती है तो समंदर की लहरें उसको किनारे में ले आ फेंकती है। ऐसे में हो सकता है आप वेल को करीब से देखना चाहें और उसके पास चले जाएं, मगर ऐसा करने की कभी मत सोचना, क्योंकि ठीक हाथी के केस की तरह इनके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया जब इनके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं तब ये भारी मात्रा में गैसेस छोड़ते हैं जो लगातार इनके शरीर में जमा होते हुए इनके विशालकाय शरीर को ब्लास्ट होने जैसी कंडीशन बना देते हैं। ऐसे में जब ये फटती है तो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या फिर वेल के भारी मास के लोथड़ों के नीचे तक दब सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 1970 में ओरेगॉन में एक ऐसी वेल जब ब्लास्ट हुई तब इसका धमाका इतना खतरनाक था मानो सच में किसी ने कोई बम ही फोड़ा हो। तो क्या समझे आप, इनके पास जाना चाहिए? जिन लोगों को बेवजह उंगली करने में मजा आता है और खास करके जानवरों को, ऐसे लोग इस वीडियो में बहुत सीख सकते हैं। Hehehe
ये कौन कहता है कि जानवरों में फीलिंग्स, एहसास या दया भावना नहीं होती? जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, ये वीडियो उनके मुंह पर ताला लगाने वाली है। My God. आज तक आपने YouTube पर या न्यूज चैनल्स में गैंग वॉर्स की कई खबरें देखी होंगी, मगर क्या आपने कभी बंदरों और कुत्तों के बीच के गैंग वॉर के बारे में सुना है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर महाराष्ट्र के बीड में बंदरों और कुत्तों के बीच पिछले साल एक ऐसी ही गैंग वॉर छिड़ गई जिसने इस गाँव में दहशत का माहौल बना दिया। इस गैंग वॉर की शुरुआत तब हुई जब एक बंदर के बच्चे को कुछ कुत्तों ने मिलकर मार दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि बंदरों ने बदला लेते हुए तकरीबन 200 से ज्यादा कुत्तों के पिल्लों को मारकर पूरे गांव से मानो कुत्तों का नामोनिशान मिटाना शुरू कर दिया। ये बंदर इन छोटे पिल्लों को पकड़ लेते और फिर इनको ऊंची किसी जगह से गिराकर उसे मार दिया करते। ऐसा करते करते पूरे गांव में बंदरों का खौफ हो गया और इसी बीच वन्य विभाग की टीमों तक को इस गैंग वॉर में एक्टिव होना पड़ा, तब जाकर ये मामला ठंडा पड़ा। लेकिन मानना पड़ेगा यार, बंदरों ने जो आतंक मचाया उससे कुत्तों की तो क्या, गांव के लोगों तक की फटने लग गई। शेर जंगल का राजा होता है, बिल्कुल सही बात है, मगर शहरों और गलियों का नहीं। अरे भाई, ये हम नहीं बल्कि अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये कह रही है, गुजरात के किसी गांव में एक आध शेर घुस जाते हैं। ऐसे में गलियों के आवारा पशुओं में हड़कंप मच जाता है और इधर उधर दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक गाय इन दो शेरों के बीच आकर फंस जाती है, मगर आज यहाँ कुछ अनोखा होने वाला है। शेर ये सोचते हैं कि अब ये बचकर कहाँ जाएगी, मगर इस गाय ने तो इनके छक्के छुड़ा दिए। गाय इनका सामना करना शुरू कर देती है। ये दो शेर आगे पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर गाय इनका हर कंडीशन में सामना करती है और आखिर में ये यहाँ से ऐसे चली जाती है जैसे इस गाय का सामना शेरों से नहीं बल्कि गली के आवारा कुत्तों से हुआ हो। गाय माता की इस ब्रेवरी पर दिल से लाइक बनता है यार। उम्मीद करते हैं ऐसा वीडियो इससे पहले आपने शायद ही देखा हो, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही एक और वीडियो इसी टॉपिक पर ले आए तो वीडियो पर आपकी मर्जी के मुताबिक ढेर सारे लाइक्स दे दीजिए, बाकी का काम आप हम पर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी एक से बढ़कर एक वीडियोस हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, वो भी आपकी पसंदीदा फरमाइशों के साथ।